हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे आने वाले एग्जाम्स के लिए। तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल घर से पाठशाला में। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं IBPS RRB PO की जो सैलरी स्लिप है, लेटेस्ट सैलरी स्लिप Feb 2024 की। तो इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में इस सैलरी स्लिप के बारे में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो शुरू करते हैं। जैसे कि आपके सामने लिखा हुआ है सैलरी स्लिप फॉर द मंथ ऑफ Feb 2024 और इसकी जो यहाँ पे डेजिग्नेशन दी गई है असिस्टेंट मैनेजर। तो यहाँ पे जो फर्स्ट आपका रहता है वो है आपका बेसिक पे, जो आपका बेसिक सैलरी कितना रहता है। आपका बेसिक सैलरी इसमें रहता है 36,000 आपका बेसिक सैलरी एज ए RRB PO आपका रहता है। उसके बाद देखते हैं DNS अलाउंस आपको कितना मिलता है। 17,463 रुपीस यहाँ पे आपको DNS अलाउंस यहाँ पे मिलता है एज ए RRB PO। तो HRA जो हाउस रेंट अलाउंस रहता है वो आपको कितना मिलता है, 2,520 रुपीस यहाँ पे आपको HRA मिलता है हाउस रेंट अलाउंस, जो कि वेरीज करता है अकॉर्डिंग टू द XYZ सिटीज़ के अकॉर्डिंग ये HRA जो है डिफरेंट रहता है। तो इसके बाद दिया गया है स्पेशल अलाउंस में आपका क्या है, 5,904 रुपीस यहाँ पे स्पेशल अलाउंस यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद देखते हैं DA स्पेशल अलाउंस आपका कितना रहता है, 2,864 रुपीस यहाँ पे DA स्पेशल अलाउंस यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद ट्रांसपोर्ट अलाउंस आपका कितना रहता है, 600 रुपीस यहाँ पे आपको ट्रांसपोर्ट अलाउंस आपको मिलता है। उसके बाद यहाँ पे लर्निंग अलाउंस यहाँ पे दिया गया है 600 रुपीस का, तो 600 रुपीस यहाँ पे लर्निंग अलाउंस आपको मिलता है। तो DA ऑन लर्निंग अलाउंस यहाँ पे कितना मिला है, 291 रुपीस यहाँ पे DA ऑन लर्निंग अलाउंस यहाँ पे दिया गया है। और इसके बाद लोकल अलाउंस जो आपको मिलता है वो है 700 आपको लोकल अलाउंस यहाँ पे मिलता है। तो अगर हम इन सब का टोटल करते हैं तो हमारा जो ग्रोस सैलरी है एज ए RRB PO आपका निकल के आता है। तो यहाँ पे ग्रोस अर्निंग कितना रहता है आपका, जो ग्रोस पे है वो है 66,942 रुपीस आपका ग्रोस पे रहता है एज ए RRB PO। RRB PO आपका ग्रोस पे आपका 66,942 रुपीस यहाँ पे मिलता है। और उसमें से कुछ डिडक्शंस होती हैं जो कि माइनस करने के बाद आपका जो नेट इन हैंड सैलरी है आपकी निकल के आती है, जो कि आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट की जाती है। तो यहाँ पे डिडक्शंस कौन कौन सी हैं वो भी हम देखते हैं वन बाय वन। तो इसमें जो फर्स्ट रहता है IT का, इसमें IT में कितने डिडक्ट हुए हैं, इसमें 5,000 रुपीस यहाँ पे IT डिडक्ट हुआ है। उसके बाद है प्रोफेशनल टैक्स का 200 रुपीस यहाँ पे डिडक्ट हुआ है। और इसके आगे BGV BOA का 100 रुपीस यहाँ पे डिडक्ट हुआ है। उसके बाद NPS का 5,346 रुपीस यहाँ पे NPS का यहाँ पे डिडक्ट किया गया है। तो ये थी आपकी डिडक्शंस। इन डिडक्शंस का टोटल करते हैं तो कितना बनता है, इन डिडक्शंस का टोटल करेंगे तो आपका बनेगा टोटल डिडक्शन 10,646 रुपीस। 10,646 रुपीस आपकी डिडक्शंस हैं, जो कि आपकी ग्रोस अर्निंग जो कि आपकी थी 66,942 रुपीस, इसमें से माइनस होंगी और आपका जो नेट हैंड इन हैंड सैलरी है, जो नेट सैलरी आपकी रहती है वो निकल के आएगी, वो है 56,296 रुपीस आपका जो इन हैंड सैलरी है जो कि आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट होगी एज ए RRB PO आपको मिलने वाली है मंथली। तो ये थी सैलरी स्लिप RRB PO की मंथली Feb 2024 की। तो ये पैकेज आपको मिलने वाला है जो भी जिनका भी ज्वाइनिंग होने वाला है एज ए RRB PO। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।